घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? डिले का असली कारण यह है। क्या है फिल्म डिले होने की असली वजह? क्या मलाइका दिखेंगे पुष्पा 2 में? कौन देगा साथ शिखावत का पुष्पा से बदला लेने में? दोस्तों, आपने पुष्पा फिल्म के बारे में तो सुना ही होगा। इस फिल्म का क्रेज ना सिर्फ टॉलीवुड बल्कि पूरे इंडिया सिनेमा में फैल चुका है, और फिल्म की इस सक्सेस के बाद लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार इसके सेकंड पार्ट का। इसके सेकंड पार्ट की शूटिंग अभी तक लेकिन नहीं हो पाई है स्टार्ट, जबकि सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट फिल्म के फर्स्ट पार्ट खत्म होने पर ही मिल चुकी है, यानी कि पिछले साल। तो फिर भला अभी तक इस फिल्म की शूटिंग क्यों नहीं हो पाई है स्टार्ट? दरअसल फिल्म मेकर सुकुमार पुष्पा के लिए लोगों का क्रेज देख चुके हैं। उन्हें पता है कि लोग बेसब्री से इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार में हैं, इसलिए वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो फैंस के इंतजार को और फिल्म के बज को जस्टिफाई करे। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि लोग फिल्म के सीक्वल को लेकर बहुत ज्यादा हाइप हो जाते हैं और फिल्म एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती तो फैंस डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। ऐसे में सुकुमार ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहते और बनाना चाहते हैं फिल्म को बड़े स्केल पर। इसके लिए वो कोई लोकेशन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए एक फॉरेस्ट के हिस्से को फिक्स करना है, पर अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया है और इसी कारण हो रहा है फिल्म की शूटिंग में डिले। इसके साथ ही फिल्म में एक के बाद एक कई एक्टर्स और दिग्गज कलाकारों के नाम जुड़ने की खबरें वायरल हो रही हैं। उनमें से एक है मलाइका अरोरा खान का। जी हाँ, पुष्पा द राइज में अपने समंता प्रभु का आइटम सॉन्ग ओ अंटावा तो सुना ही होगा, और खबरें आ रही है कि मेकर्स इसके सीक्वल में भी एक आइटम डांस को जोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने दबंग फेम मलाइका अरोरा खान को चूज किया है। यानी कि फिल्म में आपको मलाइका अरोरा खान दिख सकती हैं अल्लू अर्जुन के साथ कदम थिरकाते हुए, पर फिलहाल अभी मेकर्स ने कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है। इसके अलावा फिल्म में बात हो रही है एक न्यू एंटागोनिस्ट यानी कि विलन के एंट्री की। जैसा कि आप सभी ने देखा ही था कैसे पुष्पा में एक्टर राव रमेश यानी एमपी नायडू ने अल्लू अर्जुन की मदद की और उसे सिंडिकेट का मास्टर बना दिया। माना जा रहा है कि फिल्म में एक और विलन की एंट्री होगी जो कि पॉलिटिशियन होगा और एमपी नायडू को और उसकी पोजीशन को चैलेंज करेगा, जिसके लिए उसे पुष्पा और सिंडिकेट्स वालों पर अपना दबदबा बनाना होगा, जिसमें उसकी मदद करेगा भंवर सिंह शेखावत, क्योंकि उसे लेना है पुष्पा से अपनी बेइज्जती का बदला। और कुछ इस तरह पुष्पा के सामने खड़ी होगी नए दुश्मनी और दुश्मनों की फौज। कैसे लड़ेगा पुष्पा इनसे और क्या कामयाब हो पाएगा भंवर सिंह शेखावत अपने प्लान में, ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड।